बिना बेटा आ जाओ नाश्ता करो। नहीं भूख नहीं लग रही। कहीं जा रही हो? जी आज जॉब के लिए इंटरव्यू था, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। चलो जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें कामयाब करे। ओ मैडम, कौन सी नौकरी, कैसी नौकरी, ये क्या नया ड्रामा है? अब आपा ड्रामे की क्या बात है, आखिर बिना कब तक अपने कमरे में बैठी रहेगी? पढ़ी लिखी लड़की है, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ तो सोचेगी ना। हमारे घर में रह रही है, जो फैसला करना होगा हम ही करेंगे। चलो अपने कमरे में जाओ, रिश्ता देख रही हूं तुम्हारे लिए, एक ही दफा शादी करो और दफा हो जाओ इस घर से हमेशा के लिए। नहीं आपा, अब आप बीना के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। बीना समझदार है, अगर इसने अपनी जिंदगी का कोई फैसला करना होगा ना तो ये खुद करेगी। जाओ बेटा तुम जाओ। ये तो चाहती है ऐसी आजादियां जिसमें शुतरे बेमुहार बनके जहां चाहे घूमे फिरे, कोई पूछने वाला ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ऐसा कुछ नहीं, मैं जानती हूं बीना को, हमारी बीना ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आपा आपके लिए यही बेहतर होगा कि अपने दिल में ना थोड़ी सी जगह कर लें उसके लिए, वरना अपना दिल जला जला के हर वक्त कुटती रहेंगी। इस घर में तो उसका हिस्सा भी है और इस घर से उसका रिश्ता भी है। तुम भी कुछ सीख ही लो इससे, कोई गुण तो आए तुम में भी। देख रही हो ना तुम्हारी सास को कैसे मुट्ठी में कर लिया उसने, पहले शौहर उसके गुण गाता था, अब तुम्हारी सास भी सदके वारी जा रही है। तुमने ना सीखा कुछ भी,